भारतीय टीम में हुई महेंद्र सिंह धोनी की वापसी। दोस्तों क्या है पूरी न्यूज़, अगर आप भी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान हैं जिनकी कप्तानी में उनकी टीम ने लगातार 3 ट्रॉफी जीती है। चाहे वो पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 का किताब हो या वर्ल्ड कप 2011 का किताब हो या फिर 2013 का चैंपियन ट्रॉफी हो, दोस्तों ऐसा कोई कप्तान नहीं कर पाया है जो कि अपने दम पे अपनी ही कप्तानी में टीम को तीनों फॉर्मेट में चैंपियन बनाया हो। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ये तीनों किताब जीती। धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने ये कारनामा किया। उसके बाद भारतीय टीम ICC की एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, ना ही विराट कोहली कप्तानी में और ना ही रोहित शर्मा की कप्तानी में। दोस्तों विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप 2021 में संन्यास लिया और कोच रवि शास्त्री को भी रिटायर्ड कर दिया गया। उसके बाद राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का नया कोच बनाया गया था और रोहित शर्मा को तीनों फॉर्मेट की कप्तानी सौंपी गई थी। रोहित शर्मा कुछ कमाल नहीं कर पाए और भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हाथों 10 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी। उसके बाद BCCI ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले समय में महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया के हेड कोच बन सकते हैं।